It's caught in the crossfire. Hey, what is up guys, welcome back to the channel India Sonic. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 ऐसी बाइक्स जिन्होंने इंडिया के बाइकिंग कल्चर पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया है। इस लिस्ट में कुछ पुरानी बाइक्स टू स्ट्रोक वाली हैं और कुछ फोर स्ट्रोक वाली, जिन्हें आज भी अपडेट्स मिलते हैं और आप परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम काफ़ी टॉप सेलिंग बाइक्स भी देखेंगे, क्योंकि ये सारी ही बाइक्स बहुत ही बढ़िया थी अपने टाइम पे। अगर आप या आपके फैमिली में इनमें से कोई भी बाइक ओन करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हम देखेंगे बजाज की पल्सर 220। जब 2007 में ये बाइक लॉन्च हुई थी, तब इसमें काफ़ी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स थे, जैसे फ्यूल इंजेक्शन, रेयर डिस्क ब्रेक और क्लिप ऑन हैंडल बार। आज भी ये बाइक सेल होती है और वो भी अच्छे खासे नंबर्स में। 220 पल्सर लाइनअप की फ्लैगशिप बाइक हुआ करती थी पल्सर RS 200 के लॉन्च से पहले। बाइक में डिजिटल कंसोल भी मिलता है, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। पहले इस बाइक में सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हुआ करता था, पर अब इसमें कार्बोरेटर भी देखने मिलता है कॉस्ट कटिंग मेजर्स के वजह से। बाइक की डिज़ाइन को अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। सेम सेमी फेड लुक और ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प हम आज भी देख सकते हैं। अब आते हैं नंबर 9 पर। यहाँ पर हम देखेंगे यामाहा की R15। इस बाइक को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसने अकेले ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्मेंस बाइक्स के सेगमेंट को पॉपुलर किया था इंडिया में। ऐसे लुक्स जो कि यामाहा R1 से इंस्पायर्ड हैं 150cc बाइक में किसी ने भी उस टाइम पर नहीं देखे थे, जब 2008 में ये लॉन्च हुई थी। और आज भी इसके लेटेस्ट वर्जन का लुक बड़े यामाहा की बाइक से ही इंस्पायर्ड है, जो सबसे बढ़िया लगता है अपने कॉम्पिटिशन में। इंडिया की पहली अफोर्डेबल ट्रैक बाइक कहलाती थी ये। 149cc सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था इसमें, जो 17 BHP पावर प्रोड्यूस करता था, जो उस टाइम और आज के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ 131 kg वेट था इस बाइक का, जो इसे एक बढ़िया एंट्री पॉइंट बनाता था जिसे भी ट्रैक राइडिंग स्टार्ट करनी थी। लुक्स और परफॉर्मेंस के साथ फीचर्स भी इस गाड़ी में अच्छे खासे मिलते थे, जिसकी वजह से आज भी ये काफ़ी सेल होती है। अब हम देखेंगे हीरो होंडा करिश्मा R, जो है नंबर 8 पर। अब जैसे R15 ने परफॉर्मेंस बाइक को पॉपुलर किया, करिश्मा ने स्पोर्ट्स टूरर बाइक्स के सेगमेंट को पॉपुलर किया था इंडिया में। बहुत ही बढ़िया टूरिंग बाइक थी ये, जिसमें 223cc की रिफाइंड इंजन मिलती थी। 2003 में ये बाइक पहली बार लॉन्च की गई थी और उस टाइम पर ऐसा सेमी फैट डिज़ाइन किसी ने नहीं देखा था इंडियन मार्केट में। इतना अच्छा लुक था गाड़ी का कि एक क्रेज़ हो गया था लोगों को करिश्मा के लिए। शायद इसीलिए मैं भी एक करिश्मा R ओन करता हूँ। पर जो इसके बाद वाला फेसलिफ्ट मॉडल था करिश्मा R का, वो बहुत ही बेकार था। भले ही बाइक अच्छी हो, पर लोगों को उसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। R वर्जन के साथ एक ZMR वर्जन भी था, जो फुल फेड वर्जन था करिश्मा का, पर वो भी ओरिजिनल करिश्मा जितना पॉपुलर नहीं था। इनिशियली जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस 1 lakh rupees थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम के लिए। थोड़े टाइम और कुछ प्राइस कट्स के बाद ये और भी ज़्यादा पॉपुलर होती गई इंडियन मार्केट में। नंबर 7 पर हम देखेंगे बजाज पल्सर 150 और 180। हालांकि करिश्मा अपने टाइम की सबसे पावरफुल फोर स्ट्रोक बाइक थी, बजाज की पल्सर भी सिमिलर परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफर करती थी थोड़े कम बजट पर। पल्सर 150 और 180 दोनों ही काफ़ी पॉपुलर बाइक थी अपने टाइम पे और आज भी बाइक सेल होती है। ये बाइक्स हीरो होंडा CBZ को कम्पीट करने के लिए 2001 में लॉन्च की गई थी। पल्सर सीरीज आज भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स बनाती है और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। पल्सर 180 में 15 BHP का पावर और पल्सर 150 में 12 BHP का पावर मिलता था। इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी मिलता था पल्सर 180 में, जबकि पल्सर 150 में वो ऑप्शनल फीचर था। नंबर 6 पर हम देखेंगे हीरो होंडा CBZ।
ये बाइक 1999 में लॉन्च हुई थी, जब इंडियन टू व्हीलर मार्केट टू स्ट्रोक से फोर स्ट्रोक पर शिफ्ट हो रहा था। CBZ पहली स्पोर्टी फोर स्ट्रोक मोटरसाइकिल बन गई थी, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टू स्ट्रोक बाइक्स की कमी को भर रही थी। काफ़ी पॉपुलर थी अपने टाइम पे, इसी वजह से बजाज ने पल्सर इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया। अपने टाइम के लिए इस गाड़ी के लुक्स भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थे। गाड़ी में मोटा रियर टायर और यूनिक एग्जॉस्ट डिज़ाइन था, जो लोगों को पसंद आता था। 156 cc इंजन मिलता था CBZ में, जो 12.6 bhp पावर प्रोड्यूस करता था। लिस्ट में नंबर 5 पर है यामाहा RX 100। ये तो सच है कि टू स्ट्रोक परफॉर्मेंस बाइक्स को पॉपुलर करने में RD 350 का सबसे बड़ा हाथ था, पर RX 100 वो बाइक है जिसने सिमिलर परफॉर्मेंस अफोर्डेबल बजट में ऑफर की थी। गाड़ी में 98 cc की इंजन मिलती थी, जो 11 bhp का पावर प्रोड्यूस करती थी। गाड़ी की ऑफिशियल टॉप स्पीड तो 100 किलोमीटर पर आर थी, पर लोग इसे 120 किलोमीटर पर आर भी टच करते थे, जो कि 98 cc इंजन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और गाड़ी का वेट सिर्फ 96 किलोग्राम होने के वजह से इसकी पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छी थी, जिसके वजह से परफॉर्मेंस और भी अच्छे से यूज़ हो सकती थी। 1986 में ये लॉन्च की गई थी और 1996 में इसकी प्रोडक्शन बंद की गई, यानी कि कुल 10 साल तक ये बाइक प्रोडक्शन में थी। अब आते हैं नंबर 4 पर। यहाँ पर हम देखेंगे KTM की ड्यूक। RD 350 के बाद आप कह सकते हैं कि किसी भी बाइक ने इतना थ्रिल नहीं किया था इंडियन मोटरसाइकिल कम्युनिटी को, जितना KTM की ड्यूक 200 और 390 ने किया। एक बिल्कुल न्यू कंपनी को इतना अच्छा रिस्पांस मिलना काफ़ी रेयर है। दोनों ही गाड़ियाँ लॉन्च के टाइम से ही पॉपुलर बनी रही हैं आज तक। 2012 में पहले KTM ड्यूक 200 लॉन्च हुई थी, जो KTM की पहली बाइक थी इंडिया में। फिर 200 के इतने अच्छे रिस्पांस के बाद KTM ड्यूक 390 आई 2013 में, जिसने परफॉर्मेंस सेगमेंट को हिला ही दिया। गाड़ी को पॉकेट रॉकेट का नाम दिया गया उसकी ब्रूटल परफॉर्मेंस की वजह से। दोनों ही गाड़ियां इतनी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करती थी कम दाम पर कि KTMs के एक्सीडेंट की तादाद बढ़ने लगी। ड्यूक 390 में 43 bhp की पावर मिलती थी और गाड़ी का वेट सिर्फ 140 kgs था, तो आप सोच ही सकते हैं कैसे उड़ती होगी गाड़ी। ड्यूक 200 में भी 25 bhp का पावर मिल जाता था। दोनों ही गाड़ियों ने नेकेड परफॉर्मेंस बाइक्स के सेगमेंट को बहुत ही पॉपुलर बना दिया था। तो अब बात करते हैं नंबर 3 पर इंडिया की ओरिजिनल परफॉर्मेंस बाइक की, जो है यामाहा RD 350। जब 1983 में यामाहा ने RD 350 को लॉन्च किया था, उस टाइम पर YZD की रोड किंग पॉपुलर थी, पर RD 350 उस गाड़ी को परफॉर्मेंस में धूल चटा देती थी। ऐसी परफॉर्मेंस मिलती थी इस गाड़ी में कि लोग दीवाने हो गए थे इसके, और आज भी हैं। सिर्फ यामाहा की ही नहीं बल्कि इंडिया की पहली ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल थी, जो इंडिया में ही बनाई जाती थी। 346 cc इंजन मिलती थी बाइक में, जो 39 bhp पावर प्रोड्यूस करती थी, जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया था। RD 350 पहली परफॉर्मेंस बाइक थी इंडिया की। जॉन अब्राहम और महेंद्र सिंह धोनी दोनों के पास एक RD 350 है, जो वो आज भी ओन करते हैं। हालांकि बाइक अपने टाइम के लिए महंगी थी, पर अब सेकेंड हैंड RD 350 ओरिजिनल प्राइस के 8 से 10 गुना कीमत पर मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी रेयर बाइक है। 1983 से लेकर 1989 तक सिर्फ 6 साल तक ही प्रोडक्शन में थी ये। नंबर 2 पर हम देखेंगे हीरो होंडा स्प्लेंडर। ये बाइक इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट सेलिंग टू व्हीलर है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। 1994 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और आज तक भी बड़े नंबरों में ये सेल होती है। इस गाड़ी ने अकेले ही टू व्हीलर मार्केट को टू स्ट्रोक से फोर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया, इतनी ज़्यादा डिमांड थी इसकी।
हर दूसरे घर में एक ना एक स्प्लेंडर तो होती ही थी। कम्यूटर बाइक्स के सेगमेंट में इसे कोई छू भी नहीं पाता था। इसमें 98 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन मिलता था जो अपने फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए फेमस था। बाइक के सक्सेस की एक और वजह यह भी थी कि ये बहुत लो मेंटेनेंस थी। आज भी स्प्लेंडर को 2-3 वर्जन में सेल किया जाता है, जैसे सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस और स्प्लेंडर 110। अब आते हैं नंबर 1 पर, जहां पर हम देखेंगे रॉयल एनफील्ड की बुलेट। ये गाड़ी किसी लेजेंड से कम नहीं। रॉयल एनफील्ड बुलेट को 1931 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आज भी ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में क्लासिक के साथ। शुरुआत में बुलेट 350 इंडिया में इंपोर्ट करवाई जाती थी, पर अब रॉयल एनफील्ड ने यहीं पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और एक्सपोर्ट भी इंडिया से ही होती है। इंडिया में इस गाड़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जब यूनाइटेड किंगडम में पेरेंट कंपनी डूब गई थी, तब भी इंडिया में इसके ऑपरेशंस चालू ही थे। काफ़ी सारी परफॉर्मेंस बाइक्स ने इसकी जगह लेने की कोशिश की, पर बुलेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। भले ही गाड़ी में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, पर इसकी राइडिंग फील और आवाज़ ही काफ़ी है लोगों के लिए। गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया मिल जाती है, जिसकी वजह से इतनी सारी पुरानी बुलेट गाड़ियाँ आज तक रोड पर दिखाई देती हैं। पूरे लिस्ट में सबसे पुरानी बाइक है ये, जिसकी प्रोडक्शन आज तक चालू है। तो चलिए दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी बाइक आपके या आपके फैमिली में किसी के पास भी थी या फिर आज भी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करता हूँ जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता, और सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।